हरदोई में सुरसा विकास खंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय इचनापुर में छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। कानपुर के बादशाही नाका क्षेत्र के अंतर्गत युवती को अपने पैसे मांगना पड़ा भारी। दो आरोपी युवक ने महिला को दी तालिबानी सजा। गुस्साए आरोपी ने महिला के मुंह में पहले मिर्चा भरा, फिर हमला किया। कुछ देर बाद गुस्साए आरोपी युवक ने चापड़ से कई वार किए। उपचार के लिए पुलिस ने उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार अभी 3 घंटे से ट्रीटमेंट चल रहा है। करीबन 70 टांके लगाए जा चुके हैं। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिलाधिकारी पहुंचे स्कॉट वर्ल्ड स्कूल में, बच्चों से बंधवाई राखी। कानपुर में पीआरवी कर्मी के साथ अभद्रता के मामले में पुलिस ने किया एक को गिरफ्तार। कानपुर के कल्याणपुर के बिठू रोड में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक एवं विशाल भंडारा। कानपुर में श्यामलाल गुप्ता पार्षद की मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, जिलाधिकारी विशाख जी, एसपी आउटर तेज स्वरूप सिंह ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गीत गाकर किया मूर्ति पर माल्यार्पण। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में तिरंगा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अतरौली में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कस्बा चौराहा होते हुए निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिकोनिया खीरी की ग्राम पंचायत बनबीरपुर में काली माता मंदिर के निकट अमृत सरोवर तालाब में एक लड़की का मिला शव। मृतक की पहचान बनबीरपुर निवासी के रूप में हुई। मौसम्बी में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार घायल, जबकि बच्चे की हुई मौत। रायबरेली में होमगार्ड बल सर्वश्रेष्ठ बल द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हरदोई के थाना मल्लावा पुलिस द्वारा 5/4/2022 को ही लूट में वांछित दो अभियुक्तों का पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर उनकी निशानदेही पर लूटी हुई सफेद धातु की कुल 690 ग्राम के आभूषण किए बरामद। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हरदोई के नेतृत्व में पुलिस जवानों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। हरदोई के बघौली थाना अध्यक्ष की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा, पुलिस कर्मियों में दिखा जोश। कानपुर में रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। इसी कड़ी में आज शहर की एक समाजसेवी महिला ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को रक्षा सूत्र बांधते हुए दिखाई दी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। कानपुर को जिला कारागार पहुंचकर बहनों ने सजा काट रहे भाइयों से लिया रक्षा का वचन। सीएस जेएमयू से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ संपन्न। अतरौली में एसओ साहब ने होमगार्ड व सिपाही एसआई सभी लोगों ने मिलकर भरावन होते हुए अतरौली संडीला मार्ग पर निकाली तिरंगा रैली। कौसाम्बी के कोखरा थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर गांव के मजरे परशुरामपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद कमरे में युवक ने लगाई फांसी। विंध्याचल में पूर्णिमा के अवसर पर मां विंध्यवासिनी दरबार में श्रद्धालुओं को लगी भीड़। बरेली में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बरेली में डॉक्टर विनोद राठौर के फार्म हाउस में हर घर तिरंगा अभियान हेतु जागरूकता रैली को विधायक बिथनी चैनपुर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा विमल भारद्वाज आदि की अगुवाई में निकाली गई। इटावा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा जनपद वासियों को किया गया संबोधित। मिर्जापुर में अपर जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ। स्वतंत्रता सप्ताह हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत स्थानीय सिटी क्लब में आयोजित किया जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी मंडल रायगढ़ के द्वारा भारत की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव में निर्धारित तिरंगा यात्रा कलवारी बाजार से निकाली गई। खबर मिर्जापुर से है जहां पर भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ के द्वारा 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव में निर्धारित तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि के रूप में राजगढ़ ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र प्रताप सिंह रहे मौजूद। फरुखाबाद में शुक्रवार को कार सवारों ने फोटोग्राफर को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। कुशीनगर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुकरौली चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में निकाली गई तिरंगा यात्रा।
मैनपुरी में हाफ मैराथन की दौड़ में 10,000 से ऊपर अन्य राज्यों से आए लड़के लड़कियों ने लिया हिस्सा। लड़कों में हरियाणा के प्रिंस मिश्रा प्रथम स्थान पर, लड़कियों में प्रियंका को मिला प्रथम स्थान। कौशाम्बी में योगी सरकार में ओपीडी महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने की लापरवाही की सारी हदें पार। 11:30 बजे तक कुर्सी खाली मिलने से मरीज रहे परेशान।